बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था। मुझे दरगाह की रानी नहीं बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन। तो फाइनली दोस्तों, मात्र 3 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली फिल्म प्रेम की 3 इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 6 दिन पूरे कर चुकी है। और इन 6 दिनों के बाद दोस्तों इस फिल्म का इंडिया से और दुनिया भर से जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन पाई है या नहीं, और इस हफ्ते रिलीज होने वाली टॉप ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो पाई है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी प्रेम की 3 फिल्म को देख चुके हैं और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेम की 3 जो कि एक पीरियड एक्शन ड्रामा लव स्टोरी फिल्म है, जिस फिल्म के लीड में आपको प्रदीप खड़का और ब्यूटीफुल क्रिस्टीना गुरंग नजर आई है। चेतन गुरुंग और संतोष सेन जी ने मिलकर दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, जिसका एक्शन तो लाजवाब है ही, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की लव स्टोरी भी ऑडियंस के दिलों पर छाई हुई है। बता दे चले दोस्तों आपको कि नेपाल सिनेमा की इस मच अवेटेड फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस इंतजार कर रही थी, और यही वजह रही दोस्तों कि इंडिया में जहां ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में एक बेहतरीन ओपनिंग लेने में कामयाब रही थी, और 3 ही दिनों में दोस्तों इंडिया से ही ये फिल्म अपना बजट रिकवर करके चुकी थी। तो वही दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का ही कलेक्शन 15 करोड़ रुपए के आंकड़ों को टच कर चुका था। दोस्तों बताते चले आपको कि प्रेम गीत 3 को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है, और यही वजह रही दोस्तों कि ये फिल्म सिर्फ इंडिया या फिर नेपाल ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज यानी कि यूएई और सऊदी अरबिया में भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक टोटल की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 4थे दिन जहां दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने 5वें दिन यानी कि कल इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो लगभग 2 करोड़ रुपए के आंकड़ों को टच करने में कामयाब रहे। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 20 करोड़ रुपए का शुरुआती 5 दिनों में हो चुका था। आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 6ठा दिन है। आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो 20 लाख रुपए के आंकड़ों को पार कर पाई है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की आज की एडवांस लगभग 55 लाख रुपए से ज्यादा की है। ये फिल्म दोस्तों आज अपने 6ठे दिन इंडिया में लगभग 35 से 40 लाख रुपए के आंकड़ों को पार कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन 1.70 करोड़ रुपए के आंकड़ों को छू रहा है, यानी कि दोस्तों ये फिल्म 21 करोड़ रुपए के आंकड़ों को अपने शुरुआती 6 दिनों में पार कर चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। ये फिल्म दोस्तों बॉलीवुड की इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म धोखा से कहीं ज्यादा अच्छी कमाई इंडिया से करने में कामयाब रही है, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म बॉलीवुड की इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों में से कहीं ज्यादा अच्छी कमाई कर चुकी है। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस फिल्म को कितने स्टार देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।